महाराज मंदिर के अध्यक्ष करके आपको वचन देता हूँ, जो जो ताकत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आपको देना है पूरी ताकत आपको देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। भाजपा के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की नियुक्ति होने के बाद पहली बार मीरा भाईंदर का उन्होंने दौरा किया और जिला कार्यालय में आकर मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष रवि व्यास और सभी कार्यकर्ताओं से मिले और उन्हें संबोधन भी किया। और संबोधन करते हुए उन्होंने एक बात कही उन नगर सेवकों के लिए और उन कार्यकर्ताओं के लिए कि अगर आपको लगता है कि किसी नेता के पीछे जाने से आपको टिकट मिलेगा तो आप भूल जाओ, आपका काम बताएगा और वहाँ की जनता बताएगी। हम जनता की बात मानेंगे, उसके बाद ऐसे ही लोगों को ए वी फॉर्म दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि उन्होंने एक बात कही है कि इसका सर्वे किया जाएगा राज्य की तरफ से। यहाँ पर आएंगे, वो सर्वे करेंगे, जनता से पूछेंगे कि किसे टिकट देना चाहिए और किसे नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई पदाधिकारी, ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो सदैव काम करते हैं लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि नेताओं की चापलूसी करते हैं और फिर उन्हें टिकट मिल जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने चेतावनी दी है कि आप किसी नेता के पीछे जाएंगे तो आपको टिकट मिलेगा, आप ऐसा सोचना मत, सर्वे किया जाएगा उसके बाद ही मिलेगा। और उन्होंने कहा कि आने वाले मनपा चुनाव में रवि व्यास जो कि मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें जो ज़रूरत रहेगी उनके साथ पूरा भाजपा खड़ा है महाराष्ट्र की, उन्हें कुछ भी चाहिए रहेगा रवि व्यास के साथ में हमेशा रहूंगा। और रवि व्यास एक ऐसा व्यक्ति है जो संगठन को हमेशा मजबूत कर रहा है। और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के सामने कहा कि रवि व्यास तुम संगठन को मजबूत करो, तुम्हारे पीछे मैं हूँ। मनपा चुनाव आने वाला है, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी मजबूती बना के रखती है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि आने वाले मनपा चुनाव में मीरा भाईंदर में ही महापौर होगा, खासदार होगा और आमदार होगा। तो आइए चलते हैं, क्या कहा उन्होंने अपने हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा की सभी पदाधिकारी और मीरा भाईंदर में सभी हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। मैं 6:30 बजे तो व्यास जी के साथ था प्रदेश कार्यालय में और 2 घंटे के अंदर मेरा भाईंदर के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार से मेरी स्वागत की योजना बनाई। महाराष्ट्र में सबसे अच्छा स्वागत मीरा भाईंदर में आपका। प्रवास निश्चित होगा, मैं सवेरे 8 बजे से रात को 11 बजे तक आपके साथ रहने वाला हूँ। जब मेरा प्रवास होता है तो प्रवास की योजना 14 घंटे की होती है। जब मैं प्रवास पर होगा तो आप कहेंगे कि इतना देर अंदर तुम्हारे साथ कैसे रहे, 14 घंटे कैसे रहे, तो निश्चित रूप से 14 घंटे का तुम्हें पूरा देना। और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता से, हर पदाधिकारी से निश्चित रूप से हम चर्चा भी करेंगे कि आने वाले
महानगर पालिका बिना महिंद्रा में पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी का भाग मेयर बैठेगा और कोई चिंता की बात नहीं है। बात नहीं भारतीय जनता की गलती है। पार्टी का कार्यक्रम प्रत्येक भी तय करते हैं। महाराष्ट्र को मैं तय करता हूँ, ग्राम भाईंदर में हमारे बैच भी तय करते हैं, देश में मान्य नड्डा भी तय करते हैं। आप बिल्कुल ये चिंता मत करिए कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से अच्छा काम ग्राम भाईंदर में होगा, हमारा विधायक भी होगा, हमारा सांसद भी होगा, हमारी कारपोरेशन भी होगा। केंद्रीय कार्यालय से मीरा भाईंदर के आने वाले सारे सीटों का सर्वेक्षण होगा और उस सर्वेक्षण में जो नगर सेवक उनके आने में स्थिति में है उसी का ये भी फॉर्म डायरेक्ट पार्टी कार्यालय से आएगा। इसलिए अध्यक्ष जी चिंता मत करिए, जो मेरिट पे है वही बांटने वाला हो, ना देवेंद्र जी बांटने वाले हैं, ना व्यास जी बांटने वाले हैं, आपका सर्वे बांटने वाला है। किसी नेता के पीछे भागने से, किसी नेता के पीछे चलने से किसी को भी टिकट मिलने वाला नहीं है। ये महाराष्ट्र जनता जो बोलेगी, जनता जो कहेगी, वही कार्यकर्ता कार्पोरेशन का चुनाव लड़ेगा। नहीं तो आप बोलेंगे मुझे युवा मोर्चा इतना बड़ा हार्डा दिया, मेरा टिकट कहाँ गया? मेरा बोलते करते कोई कॉलेज में भी टोपी डालती है, मेरा टिकट कहाँ गया? नहीं उधर आप बच्चे एक निश्चित रूप से पूरे महाराष्ट्र में सभी कारपोरेशन, मुंबई कारपोरेशन में, मीरा भाईंदर में, ठाणे है, सब कारपोरेशन में। और ये बात भी तय है कि एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी की उन्हीं के माध्यम से हमारी जो नई सरकार बनी है, हम सारी लोकसभा, सारी विधानसभा, सारी कारपोरेशन हम युति में लड़ने वाले हैं। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और मीरा भाईंदर तो पूरी ताकत से उनके आने वाला है, ऐसा हमारा या गढ़ है तो कोई भी रोक नहीं सकता। और मैंने जो कहा है निश्चित रूप से अध्यक्ष जी पार्टी बिल्कुल मजबूत करिए। मैं महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष करके आपको वचन देता हूँ, जो जो ताकत भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते आपको देना है पूरी ताकत आपको देने का प्रयास करूंगा। और संगठन भी निश्चित रूप से आप अच्छे से उसको करिए। संगठन का जो अध्यक्ष रहता है वही अंतिम होता है। आप कोई भी कंफ्यूजन में मत रहिए, आपके कंफ्यूजन होता है। दूसरे हम सब लोग और मैं खुद मेरा जनता जो कहेगी वही, जनता जो कहेगी वही एमपीपा दिखा जाएगा। बिल्कुल काम में लगी है, किसी नेता के, किसी पार्टी के और किसी नेता ने भी सिफारिश की, इसने भी सिफारिश की, वो उसको टिकट मिलेगी, वो उसको टिकट मिलेगी, ये नेता है बड़ा उसकी टिकट मिलेगी, मेरे हाथ में भी किसकी टिकट नहीं। जो जनता के हाथ में वाले टिकट है, जो जनता कहेगी वो टिकट मेरा भाईंदर मिलेगी, वो पूरे महाराष्ट्र मिलेगी। इसलिए आप सबको नेताओं के बीच मत जुड़िए, जनता के साथ रहिए और जनता जो कहेगी वही काम करिए। ये मैं आपको विनती करता हूँ, आखिरी नेता वोट आपके लिए, जनता वोट आपके लिए। इसलिए आप सबको बिल्कुल काम पे लगिए और सारे कार्यक्रम मैं अभी जल्दी मद्रास के अंदर मीरा भाईंदर में पूरा 14 घंटे का प्रवास होगा। 14 घंटे में मैं उनके भी जाऊंगा, महिला आघाड़ी का भी छोटा सा कार्यक्रम होता है, युवा मोर्चा का भी कार्यक्रम होगा, युवा वॉरियर की थका खुलेगी। 14 घंटे का पूरा समय सीधा इस्तेमाल तय है और उस 14 घंटे में मीरा भाईंदर के सारे कार्यकर्ताओं को मजबूत से ताकत दी जाएगी, यही आश्वासन देते हुए और पूरी ताकत से बैठ के आप काम करिए। और जो भी जरूरत नाम देना देती है चंद्रशेखर बावनकुले देवेंद्र फडणवीस जी पार्टी के साथ है, आपके साथ है, के लिए शहर जिला कार्यालय में। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के दमदार आमदार एवं हमारे प्रदेश के स्ट्रॉन्गेस्ट अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी बावनकुले साहब का आज पहली बार हमारे मीरा भाईंदर शहर के अंदर आगमन हुआ है।
आज नवरात्रि का त्योहार चल रहा है। इस शुभ अवसर पर माता जी की कृपा से पावन खुले साहब सभी को मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं साहब आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आज कुछ समय पहले ही आपका प्रोग्राम तय हुआ। मीरा बंदर शहर में हजारों की तादाद में कार्य करते हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन आज कम समय के वजह से यहाँ पे सभी लोग उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन साहब मैं आपसे विनती करता हूँ जिले की ओर से कि आप हमारे जिले को एक कार्यकर्ता मिला हुआ था आप समय। मैं चाहूंगा कि अगर आप दिवाली का जो हमारा मेला होता है वार्षिक, उसमें अगर आप उपस्थित दे तो सभी कार्यकर्ता बहुत जोश में आ जाएंगे, उत्साह में आ जाएंगे।